हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचपी प्रिंटर 1005 के बारे में, जिसका कार्टेज है वो कभी कभी खराब हो जाता है। हम लोग दो बार या तीन बार है वो शाही उसकी चेंज करा देते हैं, रिफिल चेंज करवा देते हैं। उसके बाद में उसका जो प्रिंट है वो या तो जीके जीके आने लगते हैं या फिर साइड से ज्यादा गहरी लाइन आने लगती है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका मेन जो कारण होता है हमारा जो उसका टैंक है उसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ से कुछ लाइनें हैं वो व्हाइट हो जाती है। वीडियो के अंदर आप देख रहे होगे तो ये लाइनें व्हाइट हो जाने के कारण वो पेज है वो खराब होने लगता है। तो आपको जो ये ट्यूब है वो कांच की दिखाई दे रही होगी, लेकिन वास्तव में ये कांच की नहीं होगी, एल्यूमिनियम की बनी होगी है। लगती कांच जैसी है क्योंकि ऊपर कुछ डार्क केमिकल लगा होता है, उसकी वजह से हमें वो कांच की नजर आती है। और वैसे 1005 एचपी प्रिंटर के लिए मैंने शाही चेंज करने के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यदि आपको शाही चेंज करनी है तो भी आप बहुत ही इजी और सरल तरीके से कर सकते हो। तो आज मैं कार्टेज का जो पूरा का पूरा जो कार्टेज टूनर है उसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा आपको, और आपको उसको अपने प्रिंटर के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो भी बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मार्केट के अंदर ये कार्टेज टूनर यदि आप नया परचेज करते हो तो ये 400-450 के अंदर आपको वो नया मिल जाएगा। यदि ऑनलाइन लेते हो तो थोड़ा महंगा मिलता है, 100 या 50 रुपए का फर्क रहता है। तो मैं ऑनलाइन के लिए भी आपको नीचे लिंक दे दूंगा जिससे आप जाके वो परचेज कर सकते हो, पर यदि ऑफलाइन लेते हो तो आप ऑनलाइन से थोड़ी कम प्राइस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ करना है अपने प्रिंटर के अंदर इंस्टॉलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जो पुराना कार्टेज है वो अपने प्रिंटर से वो बाहर निकालना है, और जो नया वाला कार्टेज है उसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे आता है और आप अपने प्रिंटर के अंदर इसे कैसे इंस्टॉलेशन करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बॉक्स को है वो ओपन करता हूं। तो अंदर से आपको कुछ ऐसा है वो कार्टेज नया आएगा तो कुछ ऐसा मिलता है, ये हवा भरी हुई होती है इसके अंदर। इसका भी एक कारण होता है ताकि थोड़ा बहुत फोर्स पड़े या पड़ने से इसको कोई भी डैमेज न हो, तो इसके लिए इनके अंदर थोड़ी बहुत है वो गैस भरी हुई होती है। अब इसको अपने जैसे ही अंदर से निकालेंगे और यहाँ से खोलेंगे तब आपको है नया जो कार्टेज है वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हो वैसी व्हाइट लाइन है, वो कोई भी ऐसी लाइन दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि मेरे पुराने वाले में ऐसी कुछ लाइनें हैं वो दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये जो आपको सील दिखाई दे रही है इसको आपको यहाँ से खींच के निकालना है अपने प्रिंटर के अंदर इंस्टॉलेशन करने से पहले। तो इसको है आपको खींच के वो क्या करना है बाहर निकालना है। तो जैसे ही आप इसे बाहर निकालोगे तब ट्यूब लगी हुई होती है, मेन तो पेज जो प्रिंट करने का काम होता है वो यही काम करती है। जो आपके जो प्रिंट पे काले काले अक्षर छपके आते हैं प्रिंट करके आते हैं वो सारा काम है इसका। अब जैसे मैंने ये निकाला तो आपको इस पे शाही लगी हुई नजर आ रही होगी वीडियो के अंदर, तो देखिए तो ये शाही और इसके बीच का जो गेट था उसके आगे लगी हुई थी, तो अब ये सील है वो खुल गई, यानी अब शाही है वो प्रिंट होगी। अब आपको प्रिंटर के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और सीखिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो मैं प्रिंटर के पास आ गया हूँ। तो जैसे ही अपने प्रिंटर का ये डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे दिखाई देगा डोर है वो ओपन है। तो यहाँ पे जो पुराना वाला कार्टेज था वो तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, अब जो नए वाला कार्टेज है वो इसके अंदर आपको है इंस्टॉलेशन करना है। तो ऐसे आपको पकड़ना है और उसके अंदर आराम से है वो रख देना है। जैसे आप रखोगे तो अंदर चला जाएगा देखो ऑटोमेटिकली, और हल्का सा आपको रखने के बाद में हल्का सा है वो दबा देना है। इसे दबाने के बाद आपको क्या करना है प्यार से इसे वो बंद कर देना है। जैसे आप बंद करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन नाम आ जाएगा और अब आप है वो प्रिंट है वो एकदम सही तरीके से निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। यदि आपको इन फ्यूचर कभी पेज भी इसके अंदर रह जाते हैं, पेज निकाल रहे हो आप प्रिंट कर रहे हो लाइट चली जाती है बीच में पेज रह जाते हैं आपके, तो अभी आप यहाँ से इस बटन को है वो प्रेस करके और इस डोर को है वो ओपन करके वो पेज यहाँ से निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है।
आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें, धन्यवाद।